तो देखो प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही आसान आसान सवाल आए थे, क्वेश्चन आए थे। ये एक सेमी सर्कुलर इस तरह से इन्फिनिटी से आने वाली वायर है, और यहाँ पर एक सेमी सर्कल का टर्न लिया है, और उसके बाद फिर ये इन्फिनिटी को चली गई है। तो यहाँ पर जो सेंटर है इस सेमी सर्कल का, इसमें करंट 3 एम्पियर है। तो इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, हम सबको पता है कि ये जो स्ट्रेट पार्ट है वो अगर मैं एक्सटेंड करूँगा तो वो पॉइंट उसी वायर के लाइन पे आ जाएगा, ठीक है, उसी वायर के स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा। तो इसका तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो बनेगा ओ पर, और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो बनेगा, पर इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा। और हाफ सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है पूरे सर्किल का होता है म्यू नॉट आई 2 R, तो हाफ सर्कल का आता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू नॉट आई यहाँ 4 R के इक्वल होता है। म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से मैं कहूँ तो 4π × 10⁻⁷, और करंट यहाँ से 3 एम्पियर फ्लो हो रही है, और 4 और R, R यहाँ दिया हुआ है π/, यहाँ से 10 मीटर, ठीक है। तो ये पाई इस पाई को ख़त्म किया, इस 4 ने इस 4 को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से तुम देखोगे तो 3 × 10⁻⁶ टेस्ला। अब ये माइक्रो माइक्रो मतलब हाँ, तो यहाँ से देखोगे तो हाँ, तो यहाँ से 3 माइक्रो टेस्ला यहाँ से, तो फाइनल जो सोल्यूशन यहाँ पे आएगा तो अपना फोर्थ ऑप्शन सही है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, और बहुत आसान सवाल था। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।